बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके YouTube चैनल बेसक आईटी स्कूल में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, ये तमाम रूल मैं पीछे बता चुका हूं, अगर किसी से कोई मिस हो चुका है तो मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आकर ये तमाम वीडियोस उसको मिल जाएंगी कोरल ड्रा की। आज मैं आपको लाइन कनेक्टर के बारे में व्यूअर्स बताने जा रहा हूँ। इसके लिए पहले मुझे शेप बनानी पड़ेगी व्यूअर। पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ, ये देखिए। कोई सी भी आपने कोई शेप ड्रा कर लेनी है, उसके बाद एक स्टार बना लेते हैं ये ऐसे। व्यूअर्स, अब लाइन कनेक्टर ये होता क्या है कि दो शेप को आपस में मिलाने के लिए यूज किए जाते हैं। यानी दो शेप को अगर आपस में लाइन के जरिए मिलाना हो, ये देखिए कैसे मिलाया जाएगा। इसके ये सब टूल हैं व्यूअर्स, ये आज तमाम मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में आप एक एक कनेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी कनेक्टर के जरिए। ये देखिए, ये रेड इसके कनेक्टर हैं व्यूअर्स। किसी भी कनेक्टर को दूसरे कनेक्टर से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इस कनेक्टर को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे और दरमियान वाले को भी यूज कर सकते हैं, अगर दरमियान वाले को करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे इसका फायदा क्या है व्यूअर्स, ये जब हम ऊपर नीचे करेंगे किसी पिक्चर को, ये देखिए व्यूअर्स, ये कनेक्टर्स के साथ ही लगे हुए हैं। लाइन कनेक्टिंग जो टूल है उसके साथ ही ये आगे पीछे होगी। अगर इसको हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा होती चली जाएगी, अगर कम करेंगे तो कम होती चली जाएगी ऑटोमेटिकली ये व्यूअर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं व्यूअर्स। हम प्रॉपर्टी में ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तकरीबन वही है जो हम बता चुके हैं इनके साइज वगैरह को कम करने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास इसका साइज कम ज्यादा करने के लिए होता है, ये किसी भी पिक्चर का साइज वगैरह कम करना ज्यादा करना, ये एंगल किसी भी पिक्चर को एंगल को चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद ये मिरर इसका हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकली करना है, आपने जो सा भी मिरर आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं ऐसे। ऐसे मिरर आप जो सा भी इसका करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक स्टार्टिंग लाइन, एक एंड पर लाइन इसकी आ जाएगी। स्टार्टिंग लाइन में आप क्या लगाना चाहते हैं, एंड लाइन पर क्या लगाना चाहते हैं, दरमियान में आप क्या लगाना चाहते हैं, ये कैसी होनी चाहिए, इसी तरह एंडिंग लाइन ये आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास ये इसकी विथ आ जाएगी, आउटलाइन विथ कितनी होनी चाहिए ऐसे, अगर ज्यादा करनी है कम करनी है इस तरह भी है, ये आप कम या ज्यादा इसको कर सकते हैं किसी भी तरह से कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद भी है, हम नेक्स्ट टूल के मतलब आते हैं। नेक्स्ट टूल में भी है हमारे पास ये राइट एंगल कनेक्टर आ जाएगा। राइट एंगल कनेक्टर ये भी उसी तरह कनेक्ट होगा जिस तरह पहला स्ट्रेट लाइन किया था हमने, लेकिन इसके जो एंगल किसी भी एंगल का जरिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। किसी भी तरह लगा सकते हैं, अगर नीचे लगाना चाहते हैं वियर या इस साइड पर, ये देखिए राइट एंगल आपके पास।
ये राइट एंगल वीएल हमारे पास आ जाएंगे। राइट एंगल में प्रॉपर्टीज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंगल वगैरह वही है। ऊपर वीएल में ये बता देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये राउंड राइट एंगल है कि किसी भी, ये हमारे पास ये उसको राउंड करने के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए किसी भी एंगल को कितना राउंड करना है आपने, उसको उतना राउंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी सेम प्रॉपर्टीज वीएल वही है हमारे पास, उसमें चेंजिंग नहीं है। उसके बाद वीएल हमारे पास नेक्स्ट में जो आ रहा है टूल, वो आ रहा है कि राइट 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 एंगल राउंड कनेक्टर वीएल, ये आ रहा है। इसमें क्या है कि हमारे पास पहले से ही जो हमने पीछे जो राउंड किया था, ये पहले से ही राउंड शेप हमारे पास कनेक्टर की बनेगी। ये देखिए ये कनेक्टर हम लगाएंगे किसी को भी, ये देखिए भैया वैसे ही कनेक्टर लगाए हैं ये देखिए, लेकिन इनमें पहले से ही राउंड शेप हमारे पास आ रही है। किसी भी शेप को आप ऊपर नीचे आप करेंगे, ये कनेक्टर इसके साथ मूव होंगे ऐसे, ये कनेक्टर उसके साथ ही मूव होंगे। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज को इधर से आप कम ज्यादा कर सकते हैं भैया अपने मुताबिक, या आपने खुद प्रेसेट करनी है। उसके बाद भी हमारे पास जो लास्ट में टूल आता है वो है एडिट एंकर टूल। एडिट एंकर में क्या है वीएस, कि अगर आप किसी भी को एडिट करना चाहते हैं तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी जगह नोड आप स्पेशल लगाकर कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप स्पेशल नोड लगाकर कनेक्ट कर सकते हैं एडिट के जरिए। ये देखिए नोड पेयर हो चुका है वीएस, इधर भी आप नोड लगाए, इनको इससे कनेक्ट कर दें वीएस नोड को इसी तरह। अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं भैया, ये देखिए, यानी जिस तरह भी आप एडिट करना चाहते हैं अपने मुताबिक भी एडिट कर सकते हैं। ये ऐसे एडिट एंकर का काम ये होता है कि आप ज़्यादा नया नोड लगाना चाहते हैं, उस नए नोड के जरिए आप इजीली उसको जोड़ सकते हैं, किसी भी कनेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह भी आपने इसकी चेंजिंग करनी है, इसकी एडजस्टमेंट भी यहाँ पर आ जाएगी। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वही है हमारे पास। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट के रिलेटिव है भी, ये ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए वो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ मैं आपको। आगे एडजस्ट एंकर की डायरेक्शन कितनी रखनी है भी, इधर आप चेंज कर सकते हैं जितनी भी डायरेक्शन इसकी रखनी है। फर्ज करें यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ भैया, तो ये 10 हो जाएगी। इसी तरह आप 100 रखना चाहते हैं तो 100 रखते हैं भैया, ये देखिए आपको चेंज होती नजर आएगी। जितनी आप डायरेक्शन रखना चाहते हैं उतनी डायरेक्शन रखें भैया ऐसे, जितनी आप डायरेक्शन रखना चाहते हैं उतनी डायरेक्शन रखें। यह था आज का टॉपिक। अगर टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्त सीखना चाहते हैं उनको शेयर कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।